बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप सो सब खैरियत से होंगे। आज का मैच जो हुआ है, आज बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए जो है 265 स्कोर किया। शुरुआत में उनकी जो स्टार्ट था वो बहुत अजीब सा हुआ और मज़ेदार स्टार्ट नहीं था। चार आउट हो चुके थे, फिर जाके एक पार्टनरशिप बनी शाकिब अल हसन की तौहीद हिरोदोरे के साथ। बड़ी अच्छी दोनों ने हाफ सेंचुरी की। पिक ऑफ द प्लेयर जो थे वो शाकिब अल हसन ही थे। अच्छी स्कोर किया उन्होंने 85 बॉलों पे और इंडिया को 265 स्कोर का टारगेट, 266 स्कोर का टारगेट जो है वो बांग्लादेश ने दिया। उसके बाद ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल उन्होंने स्टार्ट लिया। रोहित शर्मा पहले ओवर में ही चलते बने पवेलियन की तरफ। उनकी फॉर्म में का कुछ समझ नहीं आती, कब वो फॉर्म में है कब नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सीनियर प्लेयर हैं, उनकी वजह से टीम पे प्रेशर बन जाता है। जब ऊपर से विकेट गिरती है एक बड़े प्लेयर की जिसका 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं जितने, वो ऊपर से आ जाए नीचे तो फिर मसला होता है। फिर नीचे वाले प्लेयर और कैप्टन हो ऊपर से आपका, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उससे। और साथ आपके एक यंगस्टर खेल रहा है शुभमन गिल, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली उसने आज, 121 स्कोर 133 गेंदों पे। उसके साथ फिर जो अगर कोई बंदा है जिसके बाद कोई इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, वो अक्षर पटेल थे। कोशिश की उन्होंने अच्छा खेलने की, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रनिंग कैच पकड़ा गया उनका भी। आज मैंने मैच देखा उनका, सूर्य कुमार यादव जो हैं वो बने शाकिब अल हसन का शिकार। बोल्ड किया उनको शाकिब अल हसन ने, विकेट ली, 80 स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच रहे पूरे मैच में। कंग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, बड़ी ज़बरदस्त उनकी बैटिंग थी आज। मैं उनकी बॉलिंग की दाद दूंगा। बॉलिंग में मुस्ताफिज़ुर्रहमान ने अपना तजुर्बा दिखाया, 150 विकेट्स कम्प्लीट की आज उन्होंने, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने, जिनमें मैं जैसे केएल राहुल हैं उनका शिकार बने आज, और तंजीम हसन ने उनको मैंने देखा नहीं है कभी खेलते हुए, लेकिन बड़ा अच्छा उनका। एक तिलक वर्मा को उन्होंने बोल्ड किया, बीटन हुए थे वो लीव कर रहे थे बॉल और विकटों में आ गई बॉल और वो बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। और मेहदी हसन ने बड़े अच्छे बॉल किए आज, उन्होंने भी जो है शुभमन गिल को आउट उन्होंने किया आज। बाकी इनमें पिक ऑफ द बॉलर्स मैं यही कहूँगा मुस्ताफिज़ उर्रहमान ही होंगे, और बाकी इसमें यही है कि सारा अहवाल मैंने आपको बता दिया। इंडिया जिसका इतना रोब, इतना दबदबा, इतना पैसा देखें ढेर कर दिया आज, एक छोटी सी टीम ने इंडिया को उनकी औकात याद दिला दी है। तो पाकिस्तान भी कर सकता था ये, लेकिन चलें हमारा दिन नहीं था उस दिन। बाकी हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, उनको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।